हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो या फिर व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहे। और इसका ये 44वां वीडियो है जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ मध्य प्रदेश जीके पर आधारित। तो आप सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करने के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके के आप कवर कर पाएंगे मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 44वां वीडियो मध्य प्रदेश जीके का अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वन अकेडमी, सब्सक्राइब करें आप रेफरल कोड लगाकर, जिसमें कि आप प्लस में 10% का डिस्काउंट पाएंगे हरदयाल पुष्पा के साथ में, और कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप प्रिपरेशन कर पाएंगे विद थ्योरी क्लासेस। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षा 27 मार्च सुबह 10 बजे 60 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट होंगे। तो इसमें आपको 10 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। तो इसमें आप एनरोल कीजिए रेफरल कोड लगाकर जो कि हरदयाल पुष्पा, और इसमें आप सीधा पार्टिसिपेट कर मैक्सिमम स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अमेजिंग ऑफर्स जो कि आप 6 महीने और 12 महीने की किसी भी प्लान के साथ में 20% का फ्लैट ऑफ यहां पर मिल रहा है, जिसमें कि मध्य प्रदेश SI, मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी और जेल प्रहरी के लिए ये ऑफर चल रहा है, जिसमें कि रेफरल कोड लगाकर आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल 30% का ऑफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो प्लस में आप सब्सक्राइब करें और इन सभी ऑफर का फायदा उठाएं और तुरंत इसमें आप प्लस के यूजर्स बने। अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आप अगर प्लस के यूजर्स बनते हैं आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, इंटरैक्टिव सॉल्यूशंस मिलता है सभी डाउट्स का, जो कि वन टू वन लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर फोन कॉल्स के जरिए आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के फायदे क्या हैं, यहाँ पर आप किसी भी समय कहीं पर भी रहकर लाइव क्लास में यहाँ पर पढ़ सकते हैं और बेस्ट टीचर से पढ़ने का यहाँ पर आपको लाइव क्लास में पढ़ने का मौका मिलेगा। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर डिफरेंट बैच को डिफरेंट एग्जाम्स के, डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशन लाइव क्लास में, इंटरेक्शंस पोल कमेंट्स क्विज के साथ में, साथ ही साथ एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा उन सभी एडुकेटर्स का जो कि कोर्स की कैटेगरी में आपको पढ़ाएंगे। वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और PDF भी यहाँ पर डाउनलोड की जा सकती है। अनअकैडमी पर करंट अफेयर्स की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, MPPSC मेंस की फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज और साथ में MPPSC की सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं फ्री में। साथ ही साथ टारगेटेड 140 प्रीलिम्स की 2021 की मॉक टेस्ट सीरीज जो कि प्लस में अवेलेबल है, जिसमें कि आप रोज मंडे टू फ्राइडे रात में 9 बजे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस के बाद में जो कोर्सेस आपको मिलेंगे उसमें से 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स जो कि MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आंसर, ये 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और MPPSC प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस यहां पर कवर होगा विद ऑल डाउट क्लियरिंग सेशंस। अनअकैडमी पर जो प्लान्स हैं वो 24 महीने 12 महीने 6 महीने और 3 महीने के, तो किसी एक प्लान को चूज करते हुए 10% के डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड हरदयाल पुष्पा लगाएं और प्लस के यूजर्स बने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। रेफरल कोड हरदयाल पुष्पा लगाना आप ना भूलें, जिससे कि आप प्लस के यूजर्स बनेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। तो अभी सब्सक्राइब करें आप MPPSC और व्यापम की कैटेगरी के लिए और प्लस की यूजर्स बने और क्रैक करने के लिए तैयार हो, या रेफरल कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको मिलेगा, जो कि हरदयाल पुष्पा इसको यूज करना ना भूलें, और प्लस की यूजर्स बनकर अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे विद थ्योरी क्लासेस। सो लेट्स क्रैक इट। लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 से हम चालू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोहागपुर, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत पाया जाता है, तो जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उमरिया, ये भी शहडोल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि 15 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी के दुर्ग में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बादल महल, जो कि चंदेरी के दुर्ग में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पांडव गुफा की संज्ञा दी जाती है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयगिरी की गुफाएं, जिनको कि पांडव गुफाओं की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश की किस शासन की सूचना देती है? तो इसका जो सही आंसर है गुप्त, गुप्त डायनेस्टी के समय में इन केव्स का निर्माण करवाया गया था, जो कि 4th और 5th सेंचुरी के समय में इनका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, रानी रूपमती महल कहाँ पर स्थित है? तो यह है मांडू में, तो मांडू इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी का मिस्टर कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बघेलखंड, बघेलखंड का जो क्षेत्र है इसमें लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया, सोहन चिड़िया का दूसरा नाम क्या है? तो वो है गोंडावन, गोंडावन के नाम से ये जानी जाती है सोहन चिड़िया। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश के किस किले के अंतर्गत पेशवा बाजीराव जी का जन्म स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है धार, धार के किले में पेशवा बाजीराव जी का जो प्रथम है, पेशवा बाजीराव प्रथम, इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के किस जिले में काना बाबा का मेला लगता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है होशंगाबाद, और होशंगाबाद की अगर एग्जिट देखा जाए तो वो हरदा में लगता है, जो कि होशंगाबाद से अलग होकर नया जिला बना है, जो कि होशंगाबाद का ही पहले जिला था, मतलब क्षेत्र था, उसमें से विभाजित होकर नया जिला बनाया गया, उसमें काना बाबा का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने मध्य प्रदेश जीके के रखे। आप लगातार मेरे चैनल के साथ में कनेक्ट रहें। अगर आप मेरे साथ में जीएस का अध्ययन करना चाहते हैं, जिसमें कि मैं वो सभी सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कि जीएस पूरा कंप्लीट होता है, मध्य प्रदेश जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन सभी के क्वेश्चन मैं अपने चैनल के माध्यम से लेके आता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार इन सभी जीएस को कंप्लीट करने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपका एक भी वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप लगातार मेरे इस चैनल को देखते रहें, ट्यून करते रहें, और प्लेलिस्ट से जाकर वो पहले वीडियो जो कि इससे पहले मैं बना चुका हूँ उससे भी देखकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।